हम अब स्टार्ट करने लगे फॉर्मेशन ऑफ मेंटल डेंटिन या ओवरऑल डेंटिन की फॉर्मेशन होती किस तरह है। तो इसको हम जैसे हॉर्टिश फॉर्मेशन होती है, हमें पता है कि पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनता है, देन उसकी मिनरलाइजेशन होती है या इनऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फिर ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की इस फॉर्मेशन देखें तो ठीक है, तो ये सेल ड्रॉ हो गया है, मैंने ये नीचे ड्रॉ किया। अब सबसे पहले जो कोलेजन जो सबसे पहले जो डेंटीन क्लियर बनती है उसको हम कहते हैं प्री डेंटीन। इसके ऊपर क्योंकि इनेमल पड़ा होता है, ये मैंने इनेमल जहर कर दिया, ये इनेमल फॉर्म बन रहा है, फॉर्मिंग इनेमल, और ये क्या है, फॉर्मिंग डेंटीन। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्री डेंटीन। अब प्री डेंटीन अनमिनरलाइज्ड लेयर होती है, ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है ना थ्रू आउट फॉर्मेशन ऑफ डेंटीन ये इसकी थिकनेस सेम रहती है, उसके रीजन हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो टाइप 3 जो कोलेजन होते हैं उसके फाइबर्स क्योंकि लार्ज डायमीटर होता है उनका और सिक्रीट होते हैं इनरेगुलर फैशन में, ये सिक्रीट होते हैं और ये डेंटल जो इनेमल फॉर्मिंग होता है या जहाँ पर इनेमल फॉर्मिंग का बॉर्डर है या बॉर्डर इनेमल का वहाँ तक जाते हैं इनरेगुलर फैशन में, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद फिर जब सेल की मशीनरी यानी मजीद मॉडिफाई हो जाती है तो उसके बाद ये सीक्रेट करती है टाइप 1। टाइप 1 कोलेजन के जो फिब्रिल्स होती हैं, ये जो डेंटिनो इनेबल जंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला डेंटिनो इनेबल जंक्शन नजर आ रहा है, जो फ्यूचर डेंटिनो इनेबल जंक्शन है, ये इसके पैरेलल पड़े होते हैं इस तरह, यानी ये जंक्शन और ये टाइप 1 कोलेजन हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया टाइप 3 एंड टाइप 1 कोलेजन की सिक्रीशन। अब जो हमारे पास इसके बाद जो सिक्रीट होते हैं वो मैट्रिक्स वेसिकल भी सिक्रीट होते हैं इसके अंदर। ये मैट्रिक्स वेसिकल एक राउंडेड जो है ना आपको नजर आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं राउंडेड वेसिकल्स आपको नजर आएंगे, मैट्रिक्स वेसिकल्स। अब ये जो टाइप 3 स्ट्रक्चर लेग्स जो फाइबर्स रेडिएट करते हैं ओडोन्टोब्लास्ट से, इनको हम कहते हैं बोन कॉर्प्स फाइबर्स, ठीक हो गया। अब इससे जो ओडोन्टोब्लास्ट है इससे मजीद कुछ फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं और चले जाते हैं दो जो अमीलोब्लास्ट होते हैं ना उनके दरमियान दरमियान तक चले जाते हैं। फिर जब इसके अंदर इनेमल की फॉर्मेशन होती है, ये जो ओडोन्टोब्लास्ट का प्रोसेस है ये इसमें रह जाता है, इसको हम कहते हैं इनेमल स्पिंडल। इनेमल स्पिंडल एक्चुअली किसका पार्ट है, ओडोन्टोब्लास्ट के प्रोसेस का पार्ट है जो कि एक्सटेंड होकर किसमें इनेमल में गया था। इसके बाद जो अब ये जो आपको प्री डेंटीन नजर आ रही है इसमें जो ओडोन्टोब्लास्ट नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला गया है, ठीक है ना। इस ये जो बाद में जब इसकी फॉर्मेशन होती है डेंटिन की, ये भी इसमें ट्रैप्ड रह जाते हैं, इसको हम कहते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल, ठीक है, ओके। डेंटिनल ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं या इसको समटाइम हम कहते हैं टॉम्स टॉम्स फाइबर भी कहते हैं हम इसको, ओके। ये तो हो गया कि कोलेजन के यानी कोलेजन की सिक्रीशन किस तरह होती है और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, बन गया प्री डेंटिन बन गई। अब हम देखेंगे कि इसकी मिनरलाइजेशन कैसे होती है। तो जो प्री डेंटिन बनी है उसकी मिनरलाइजेशन दो तरीकों से होती है, एक तो ये कि कोलेजन हमने पढ़ा है कोलेजन से और दूसरा मैट्रिक्स वेसिकल से। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है मैट्रिक्स वेसिकल से। अब मैट्रिक्स वेसिकल ही है मेरे पास, अब ये क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में हमें पता है कि इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड सबसे पहला जो क्रिस्टल होते हैं ये बनाते हैं, फॉर्म्स फर्स्ट क्रिस्टल बाय फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स वेसिकल। इसके अंदर नॉन कोलेजनस प्रोटीन पड़ी होती है मैट्रिक्स वेसिकल के अंदर, जो कि इसकी फिर फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। अब होता ये है कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास प्री डेंटीन की लेयर है, ये एक मैट्रिक्स वेसिकल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पे इसके फॉस्फोलिपिड ये यहाँ से क्रिस्टल फॉर्मेशन ग्रोथ कराएगा इस तरह ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है, और इधर से दूसरे मैट्रिक्स वेसिकल से उसका फॉस्फोलिपिड क्रिस्टल की ग्रोथ करेगा और ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फिर इस तरह इधर से, इस तरह इधर से, इस तरह इधर से, तो इस तरह जो है ना क्रिस्टल की ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाती है मैट्रिक्स फिजिकल से। तो फिर रेगुलेट इसके अंदर कौन कराता है, इसमें नॉन कोलेजन प्रोटीन जो उसकी जो कि मैट्रिक्स फिजिकल के अंदर होती है। अब जो दूसरा तरीका है वो कोलेजन का है। अब कोलेजन का हमें पता है कि कोलेजन के जो फिब्रल्स होते हैं उनके ऊपर पोर्स होते हैं, यानी पोर्स होते हैं। अब पोर्स के अंदर जो है ना चार्जेस होते हैं, ठीक है,
इन ये चार्जेस जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सल आयंस को, और ये अट्रैक्ट करता है कैल्शियम आयंस को। जब ये फॉस्फेट्स, हाइड्रोक्सल आयन, कैल्शियम, जब इनको अट्रैक्ट करेगा, हमें पता है ये जो है ना, ये ऐसे अट्रैक्ट करते हैं और इनकी ऐसे एक रेगुलर फैशन में इनको अट्रैक्ट करते हैं एक पैटर्न में, कि ये फिर जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्सल और फॉस्फेट्स के क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि हाइड्रोक्सी एपाटाइट क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये हाइड्रोक्सी एपाटाइट क्रिस्टल फिर कोलेजन से बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कोलेजन है, इसमें भी जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कहते हैं फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है। यानी यहाँ पे अगर पोर था तो उसने जो है ना चार्जेस थे वो अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोक्सी एपाटाइट के क्रिस्टल बनाए, यहाँ पे था यहाँ पे, तो इस तरह फिर ये क्रिस्टल आपस में जस्ट लाइक मैट्रिक्स फिजिकल क्रिस्टल जैसे आपस में फ्यूज हुए थे, तो ये भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो अब इसमें जो जहाँ पे स्टार्ट होती है ना, जिस पोर से स्टार्ट होती है, हम उसको कहते हैं न्यूक्लिएशन पॉइंट। तो एक कोलेजन पे बहुत सारे न्यूक्लिएशन पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिएशन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह कोलेजन से स्टार्ट होती है मिनरलाइजेशन, और इस तरह फिर जो दूसरा तरीका है वो मैट्रिक्स फिजिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फिजिकल, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स रोल प्ले करते हैं, और इसमें क्या कहते हैं कोलेजन के ऊपर पोर्स होते हैं जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को, जो कि वो वाले नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल बनाते हैं, और इस तरह जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और ये थी मिनरलाइजेशन ऑफ डेंटीन। इसके बाद देखेंगे कि डेंटीन में डेंटीन की थिकनेस कैसे होती है, यानी थिकनेस ऑफ डेंटीन कैसे होती है। ओके, थिकनेस ऑफ डेंटीन में हम देखेंगे कि एक चीज याद रखनी है कि जो प्री डेंटीन होती है, फर्स्ट फॉर्म डेंटीन, प्री डेंटीन की थिकनेस कांस्टेंट रहती है। उसकी रीजन ये है कि हम इसमें पढ़ लेते हैं कि ये सपोज ये फर्स्ट प्री डेंटीन है, ठीक है, फर्स्ट प्री डेंटीन। अब इसमें मैट्रिक्स फिजिकल कोलेजन आ गया, अब इसकी क्या होगी मिनरलाइजेशन। जब इसकी मिनरलाइजेशन हो रही होगी तो जितनी मिनरलाइजेशन होगी प्री डेंटीन की, उतनी भी ये दोबारा नीचे से बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल फिर जब इसकी मिनरलाइजेशन हो जाएगी तो फिर नीचे प्री डेंटीन बन जाएगी। अब इसकी ग्रोथ या डेंटीन की थिकनेस कैसे इंक्रीज होती है, सपोज ये पहले की मिनरलाइजेशन होगी, अब ये ऊपर पड़ी है, ठीक है ना, इसके नीचे न्यू प्री डेंटीन बन गया। अब ये सेल जो ओडोंटोप्लास्ट है ये नीचे मूव करेगा फिर दोबारा, ठीक है ना, इसमें ओडोंटोप्लास्ट रह जाएगा जो इसके अंदर था, जो कि डेंटिनल ट्यूब्यूल बनाता है, और ये ओडोंटोप्लास्ट फिर इसमें नया एक, यानी ये एक्सटेंड करेगा और इसमें ओडोंटोप्लास्ट बनाएगा, और ये जो सेल है ये ओडोंटोप्लास्ट आपको नजर आ रहा है, ये ओडोंटोप्लास्ट, ठीक है ना। अब ये न्यू प्री डेंटीन बन गया, अब इसमें जब मिनरलाइजेशन होगी तो ये फॉर मिनरलाइजेशन, इसके नीचे एक और प्री डेंटीन, ये प्री डेंटीन, और ये क्या है मिनरलाइजेशन, ये मिनरल, ये जो हमारे पास ये फास्ट प्री डेंटीन थी, इसके नीचे ये फास्ट प्री डेंटीन, ये मिनरलाइज हुई, ठीक है। अब ये मिनरलाइज, इसके नीचे न्यू प्री डेंटीन बन गई, उसकी फॉर्मेशन हो गई, ये मिनरलाइज उसके नीचे न्यू बन गई। तो ओवरऑल थिकनेस जो प्री डेंटीन की वो सेम होती जा रही है, ये मिनरलाइज हो गया, ये मिनरलाइजेशन फ्रंट है हमारे पास, और ये क्या है प्री डेंटीन अगेन बन गई है, इसमें ये क्या डेंटिनल ट्यूब्यूल होता है, सपोज ये मैं कहता हूँ कि ये क्या है ओडोंटोब्लास्ट है। तो इस तरह फिर ये सेल किधर मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा नीचे को मूव करता जा रहा है, और प्री डेंटिन की फॉर्मेशन, ये जो डेंटिन की फॉर्मेशन होती जा रही है, तो इस तरह फिर ये इसकी मजीद यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है कि जो मिनरलाइजेशन है वो लैग्स बिहाइंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट होता है, उसके बाद मिनरलाइजेशन होती है, फिर जो है ना मिनरलाइजेशन, जो ये वाला ये मिनरलाइजेशन फ्रंट है, इसके बाद ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये चलती रहती है, सीक्वेंस चलता रहता है, और हमें जब रिक्वायर्ड थिकनेस हो जाती है, रिक्वायर्ड हो जाती है डेंटीन की, तब ये स्टॉप हो जाती है, तब जो प्री डेंटीन होती है वो भी मिनरलाइज हो जाती है बाद में, क्योंकि इनर सर्फेस पर रह जाती है। इसमें आप एक और चीज़ भी नोट करिए, प्री डेंटीन नीचे को मूव करती जा रही है, नीचे ऊपर मिनरलाइजेशन होती जा रही है और प्री डेंटीन बनती जा रही है। तो ये था थिकनेस ऑफ डेंटीन कैसे इंक्रीज होती है, और हमने इसमें मिनरलाइजेशन भी देखी है और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स